लगता है अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई तो हम ऑडियंस के पास चलें। तुम चली जाओ रिक्शे पे, हमारी तो भी बातें रहती है, हमें फोन कर देना। नहीं चलेगा, तो यहाँ पे बच्ची बैठी हुई है, वो सवाल करना चाह रही है, पहले उसी से सवाल लेते हैं। जुनैद सर, सबसे पहले आपको पाकिस्तान का श्रीलंका से पहला टेस्ट जीतने पर मुबारक हो। सर मुझे क्यों बेटा, पूरी कौम को मुबारक हो। बिल्कुल, समझ रहे आपने पूरे पैसे लगाए ऊपर। सर इसी वाले से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, बोर्ड की सरबराही के लिए आप किसके हक में हैं, नजम सेठी या जकाश? अच्छा ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। असल में मैं बोर्ड की सरबराही के लिए किसी एक शख्स के हक में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी बोर्ड का सरबराह बने, जाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट वो पोस्ट है और क्रिकेट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे तो अब खून में शामिल हो चुकी है, तो बोर्ड का जो सरबराह है वो मेरिट पे होना चाहिए। जकार अशरफ हो, नजम सेठी हो, राजा साहब हो, कोई भी हो, वो मेरिट पे होना चाहिए और इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए हमें ये सियासी तौर पे किसके साथ वाबस्ता है। और मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए ताकि वो 2-4 साल तक 5 साल तक जो भी बोर्ड का सरबरा बने वो अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू कर पाए, उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। मतलब उसको टीम की फिक्र हो, सियासी जमात की फिक्र ना हो। हाँ ये गलत बात है कि जो आता है, जो भी हुक्मरान आता है वो अपने साथ बोर्ड का सरबरा जेज में लेके आता है। हाँ। ये गलत है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जिले सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आबिद अली है, मैं भावनगर से। क्या नाम है? आबिद अली। आबिद अली, शाबाश। मैं भावनगर से आपका शो देखने के लिए आया हूँ सर। और जिंदाबाद। थैंक यू बेटा, बड़ी आपकी मोहब्बत है सर। हमारे शहर में बहुत शौक से देखा जाता है सर जी आपका शो। थैंक यू। अच्छा। थैंक यू जी। सर आएगा भी भावनगर? चलो उठो जी, भावनगर तो हो आइए फिर। अगला सेगमेंट वापस आके कर दो जी। उधर आए सर जी, अभी आपको मक्खी चीनी बकरे का सर जी। मक्खी चीनी बकरे, आपको मेरी कमजोरी का पता है इसलिए आप ऑफर कर रहे हैं। यस सर। लेकिन भावनगर में जी मक्खी चीनी बकरा ना जो सबसे पंजाब में पॉपुलर है, उसकी जो उसका गढ़ है ना वो भावनगर समझा जाता है। लेकिन मैं आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि ये भावनगर की नस्ल नहीं है, ये मेरे ससुराल सियालकोट की है। मक्की चीना बकरा जो है ये बेसिकली सियालकोट से इसकी ओरिजिन है। अच्छा, तभी आपका शौक है। अच्छा तभी आपका शौक है। अच्छा ये भी चेक कर लें, वो हमें बुला रहा है या इधर से कुछ खाना चाह रहा है। नहीं उन्होंने अभी तक कोई ऑफर नहीं की कि आप आए मैं आपको कोई बकरी तोहफे में दूंगा, कोई बच्चा तोहफे में दूंगा। उन्होंने कहा बस देखने आ जाए। देखना नहीं सर जी, मक्खी चीनी बकरे का तोहफा देंगे सर। फिर तो भावनगर जाना पड़ेगा। हम बड़ी गाड़ी लेकर आ रहे हैं आपके पीछे। हम उस कम 4 बकरे ध्यान में बेचारा एक बकरे का वादा कर बैठे और मेरा ख्याल है कि उसने खुद भी मक्की चीना देखा नहीं हुआ। उसका मेरा ख्याल है कि गुजरते हुए गाँव शाव में नजर पड़ी है। नहीं सर जी, हमारा खुद का सर जी। और जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम विनीश उस्मान और मैं पोएट्री सुनाना चाहती हूँ। जी जी। बांध ले हाथ सीने पे, सजा लें तुमको, जी में आता है के तावीज बना लें तुमको, वाह फिर तुम्हें रोज बढ़ता हुआ देखें, क्यों ना आंगन में चंबेली सा लगा लें तुमको। अजब ख्वाहिशें उठती हैं मेरे मन में, अजब ख्वाहिशें उठती हैं मेरे मन में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछालें तुमको। ये आखिरी ख्वाहिश जरा ऑकवर्ड सी है, करके मुन्ना अब मुंह में लो मुन्ना को और हवा में उछाले और खुद साइड पे हो जाए। बाद में कहो मेरा मुन्ना किधर गया। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम चिश्तियाँ से आए हैं आपका शो देखने के लिए। वाह। तो मैं BS इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आपके सेगमेंट में छोटे से इंग्लिश के सेगमेंट में हो आपके शो में। अच्छा, इंग्लिश के बारे में जी। क्यों जी, इंग्लिश सेगमेंट कह रहे हैं, शुरू करें। करते लवांगे भाईजान। सुनेगा कौन? इत्थे सारे पीटर दे बच्चे बैठे। मेरा नाम उस्मान अली है, मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर, तो हुआ है असर ख्वाब सा ये जहाँ, फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर, हम तेरे हो गए बखुदा इश्क में, दिल खुदा जाने कहाँ। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर, वाह जबरदस्त। अच्छी आवाज, अच्छी आवाज, अच्छी आवाज।
सर जी आपका गाना भी अच्छा है और आपकी आवाज भी अच्छी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मिली नजर है ऐनक आपने काली तू लगाई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है, शेयर करना चाहूँगा सर। जी बेटा। खुदा महफूज रखे हमको इन तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। अच्छा आपको मैं ये जाने तो दूंगा, लेकिन ये किसी ना किसी वकील का नोटिस आ जाए ना हमें, फिर ना क्या नहीं, फिर वो इन तीनों हसीनों पे डाल देगा। जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जुनैद साहब आपसे एक क्वेश्चन है, इमरान खान के टिकटॉक अकाउंट से राय आमा का कुछ अंदाजा किया जा सकता है? बड़ा टेक्निकल सवाल है कि ये जो मतलब मेरा ख्याल है कि दो दिन में शायद वो 5 मिलियन की तरफ गामजन है अकाउंट, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जनाब टिकटॉक के अकाउंट की कामयाबी से कोई ताल्लुक नहीं है किसी की मकबूलियत का। एक हद तक ये बात ठीक है पॉलिटिक्स में कि जी फलां के भी इतने अकाउंट फॉलोअर्स हैं, फलां के भी इतने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ तक इमरान खान के ये अकाउंट की कामयाबी का मामला है, तो इसको किसी ना किसी अंदाज में बहरहाल मकबूलियत तो है। अगर मैं या आप बनाते या इमरान खान का कोई सियासी मुखालिफ बनाता, तो क्या आप ये तवक्को कर सकते हैं कि उसको इतनी कामयाबी मिलती? कतई तौर पे नहीं। तो बहरहाल इसका एक ताल्लुक तो है, लेकिन उससे ये अंदाज़ा लगा लेना कि ये कोई इंतखाबी जो है कामयाबी उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं, ये एक डिबेटेबल बात है, लेकिन उसके लिए रायामा के जायजे मौजूद है। और अभी शादी वीडियो डाली है, तो गाना वाना डाला होता तो और नसीम विक्की साहब अगर आप उनका साथ देते तो उनकी जो रेटिंग है वो 95 तक चली जानी थी। यानी कह रहे हैं कि 95% नहीं कह रहे हैं, कह रहे टोटल 95% कह रहे हैं। उन्होंने कहा 95 तक चली जानी थी पास। आप जबरदस्ती करवाएं उसको। जुनैद साहब के साथ साथ मैं स्पेशल जो है ना नसीम विक्की साहब का शो देखने के लिए आया हूँ, नसीम विक्की साहब को स्पेशल देखने के लिए। बहुत शुक्रिया। बचपन से जो है ना आपके ड्रामे और बचपन से, और उनकी उम्र 55 से ज्यादा है। आपका एक ड्रामा जो मैंने पहला ड्रामा देखा था फैमिली फ्रंट, जिसमें आप खुशियां बने होते थे, हर काम जो मशवरे वो उल्टे देते होते थे, ठीक है, वो ड्रामा जो है ना मैंने पहला देखा था। आपने सवाल सारे उल्टे ही किए, आपने मुझे खुशियां ही लगे। हर खुशियां को गमियां में बदल देते थे ये। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। मौला खुश रखे, पहचाना नहीं पहचाना, आप बैठ जाए, मैंने आपको पहचान लिया।